हाय गाइस, मैं आज सुबह गई थी मेरे हस्बैंड को डॉक्टर दिखाने, जो मैं कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी सुबह में। सुबह का एक ब्लॉग दूसरा मैं डाली थी, उसमें नहीं मैं बताई थी। और हम लोग वहीं से खाना वाना लेके आए थे, और खाना खाते खाते 5:30-6 बज गया था। सभी ने हम लोग मिलकर सभी ने खाना खाया, और 6 बज चुका था, इसलिए फिर रात को भूख तो नहीं लग रहा है, लेकिन वही खाली पेट सोना ठीक नहीं है, ऐसा हम लोग का मानना है। और क्या, भूख नहीं है लेकिन फिर भी खाएंगे। तो जो भी हो, मेरे हस्बैंड बोले कि 2 रोटी बना देना मेरे लिए, तो उनके लिए मैं 2 रोटी बना दी थी। और ऐसे तो मुझे पता नहीं था, मैं 2 रोटी बनाई, सोची थी कि नयन और मेरे हस्बैंड खा लेंगे रोटी, और जो सुबह का नान बचा हुआ है वो मैं खा लूँगी एक। तो फिर जब मैं आटा सान ली, तब मैं देख रही हूँ कि उसमें 2 नान पड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैं आटा सान रही हूँ अभी, और आटा तो मैं सानने वाली थी वही 2 जन का, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 2 नान है, तो आटा और भी कम सानना था। और कभी भी आप लोग नान को मतलब गरम करके ना खाएं, वो खाने लायक नहीं रह जाता है और बहुत ही चिमड़ा हो जाता है। और मैं आज एक बेला ही नहाई हूँ, क्योंकि वहाँ से आके मेरा नहाते नहाते 4:30 बज चुका था, और इसीलिए फिर मैं शाम को नहीं नहाई, नहीं तो मैं रेगुलर 2 बार नहाती हूँ। और आज से रात को कुछ खाना भी नहीं बनाना था, दिन में भी आज मैंने खाना नहीं बनाया, सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाई थी। मैं बाहर ही हम लोग ब्रेकफास्ट किए, मतलब घर में ब्रेड खा के चले गए थे, एक एक पीस, दो दो पीस, तो फिर बाहर ही हम लोग ब्रेकफास्ट भी किए, और फिर लंच तो लेके आए थे, तो वही थोड़ा बहुत बच गया था दिन का ही खाना, तो रात के लिए भी हो गया हम लोगों का। और यहाँ पे मैं आके जो बर्तन धोई थी, रूपा को तो आज मैं मना कर दी थी, और बर्तन जो मैं धोई थी उसे मैं उठा दे रही हूँ, वो बर्तन भी वैसे ही पड़ा हुआ था। और जब मैं चाय बनाने आती हूँ तो बर्तन उठा देती हूँ, लेकिन आज चाय नयन बनाया है, तो बर्तन वैसे ही पड़ा हुआ है, वो तो सिर्फ चाय बना के लेके गया, उसे तो कुछ और पता नहीं है, चाय बना दिया इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और लीकर चाय बनाया था वो, जब वो बनाता है तो मैं लीकर चाय ही पी लेती हूँ, या कभी कभी पी लेती हूँ हस्बैंड के साथ लीकर चाय ही। और यहाँ पे मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, बर्तन मैंने सब उठा दिया है अंदर सेल्फ में, और जब तक तवा गरम हो रहा है। और पहले मैं सोची थी कि 2 आलू भी मैं भाज लूँगी, मतलब आलू का भाजा, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोले कि वो सब्जी खाएंगे नहीं, और फिर उनको सिर्फ रोटी मिठाई खाना है, क्योंकि उन्हें भूख नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं सोची थी कि एक ही नान है, लेकिन यहाँ पे 2 नान, मैंने टोटल 7 नान का ऑर्डर दिए थे, इसलिए यहाँ पे 2 नान बच भी गया है। और आटा को मैं सान ली हूँ, और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। और इसके पहले भी एक जगह से हम लोग नान मंगाए थे, वो भी मैं बच गया था, तो फिर दूसरे बेला गरम करके, नयन का काफ़ी फेवरेट है तो मैं गरम करके और नयन को दी थी, लेकिन वो खा नहीं पाया, वो आधा ही नान खाया, और फिर वो बोला उसके दांतों में दर्द हो जाएगा बोल के वो खा नहीं पाया। तो नान कभी भी ठंडा अच्छा नहीं लगता है, और ये गरम करके तो और भी नहीं खा पाएंगे, तो ना ठंडा खाए ना गरम खाए, जो बना के वो लोग देता है बस तभी खाने में ही नान मजा है, फिर जो बच गया उसे फेंक देना ही ठीक है। और क्या, और जो दिन का खाना था उसी से हो गया हम लोगों का, और मेरे हस्बैंड तो बस जो केसर राबड़ी लाए थे वो केसर राबड़ी और 2 रोटी ही खाए, रोटियों में मैंने मक्खन लगा दिया था, और जो नान बचा था उसमें भी मैं मक्खन लगा दी हूँ, लेकिन फिर भी वो चिमड़ा हो गया है, मतलब और बस मैं 3 ही रोटियां बनाई हूँ। आटा तो मैं 5 रोटियों का सानी थी 2 जन का, लेकिन फिर देखी कि नहीं नान ज़्यादा है, तो मैं 3 ही रोटियां बनाई और आटा रख दी हूँ फिर फ्रिज में। और फ्रेश आटा सान के रोटी बनाने से उसका खाने
कलर भी कुछ और रहता है और देखने में भी बहुत अच्छा रहता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता है रोटी। और मेरे घर में काफ़ी पतली रोटियां बनती हैं और छोटी छोटी। और रोटियों में मक्खन लगा देने से, और जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो एक चिटकी नमक ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे रोटी में एक टेस्ट बना रहता है और मक्खन लगा देने से वो वैसे ही खवा जाएगा रोटी। मतलब मैं ब्रेकफास्ट में तो बहुत दिन रोटी और मक्खन ही खाती हूँ, मैंने इतना टेस्टी लगता है मुझे। और नान, बचे हुए नानों में मैं मक्खन लगाई हूँ लेकिन फिर भी वो चिमड़ा हो गया है। और मैं रोज़ वो चौकी और बेलन को धोती नहीं हूँ, जिस दिन गंदा हो जाता है उसी दिन मैं धोती हूँ, या ऑयल का जिस दिन काम करती हूँ उस दिन धोती हूँ। और यहाँ पे पुदीना का चटनी है जो लोग कबाब के साथ दिए थे, मैं सोची कि चलो नान के साथ मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे चटनी, ये पुदीना की चटनी बहुत पसंद है, लेकिन फिर मैं खाई नहीं चटनी को, चटनी पूरा वेस्ट हो गया और दिल नहीं कर रहा था, और मैं भी राबड़ी के साथ ही खा ली हूँ। और ये सब्जी मैंने नयन को ही दे दिया था क्योंकि उसका सब कुछ फेवरेट है। यहाँ पे पनीर का ही सब आइटम है और मेरा भी पेट पूरा भरती था, इसलिए मैं राबड़ी और नान ही खा ली। अचार और चटनी भी था उसके साथ, अचार भी वो लोग दिए थे, लेकिन अचार भी वैसे ही, अचार तो मैं फेंकी नहीं, अचार को फ्रिज में रख दी और फिर चटनी को मैं फेंक दी, क्योंकि चटनी और रहता नहीं है, चटनी गंध मार देता है। और ये पुदीना की चटनी वो लोग दिए थे और ये अचार भी था उसके साथ में, तो मेरे घर में अचार या चटनी ज़्यादा कोई नहीं खाता है तो, लेकिन अचार तो रहता है फ्रिज में, तो कल सुबह यदि मैं ब्रेकफास्ट में इच्छा होगा तो मैं खा लूँगी। और कल का दिन भी मेरे घर के लिए कुछ स्पेशल दिन है, वो मैं आप लोगों को कल ही बताऊँगी कि कल क्या है मेरे घर में। और ये थाली मैं पोछ रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, नहीं ये थाली मैं नयन को ही दी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं। और नयन थोड़ा सा साफ सुथरा खाना ज़्यादा पसंद करता है, कि मतलब सब चीज़ अलग अलग दो, एक थाली में ना दो, तो वो एक थाली में नान खाएगा और एक थाली में उसका तीनों सब्जी पड़ा हुआ है। और आज सब्जियाँ बच गई थी बोल के, नहीं तो हम लोग जनरली एक ही सब, घर में जब मैं बनाती हूँ तो एक ही सब्जी बनाती हूँ, कोई गेस्ट आ गया तो और बात है। और ये केसर राबड़ी लेके मैं जा रही हूँ, मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया है और केसर राबड़ी लेके अब मैं बैठ जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड अभी ऊपर हैं, वो योगा कर रहे हैं। बाय फ्रेंड्स।